हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 टेंथ क्लास का, राजस्थान के उत्सव त्योहार और मेले। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में बिल्कुल मेंशन है ये टॉपिक। इसके अलावा आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं जहां आपके राजस्थान का जीके पूछा जाता है, वहां दो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से हमेशा ही मिलते हैं। तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के उत्सव त्योहार और मेले। तो सबसे पहले अर्थ देखेंगे कि क्या होता है। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, सात बार नौ त्योहार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्योहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोक उत्सवों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये त्योहार, उत्सव और मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय और लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई और बदलते मौसम के संयोजित से ये अवसर आमजन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कहीं फसलों की कटाई होने पर त्योहार जो है वो मनाए जा रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। कहीं नया मौसम आता है, उस वजह से त्योहार जो है वो मनाए जा रहे हैं। ये उत्सव त्योहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक और मानसिक शांति तथा आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव त्योहार और मेले की झलक यहाँ प्रस्तुत है। तो हमने जाना कि उत्सव जो है, त्योहार जो है वो क्यों मनाए जाते हैं, ताकि लोग जो है वो इतना उलझे हुए हैं पूरे साल भर, तो उनको शारीरिक और मानसिक रूप से शांति और आनंद जो है वो भी मिल सके इन उत्सव और त्योहारों के कारण। तो सबसे पहले हम देखेंगे गणगौर का त्योहार। ठीक है, गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है, हम सब जानते हैं। और अभी हाल ही में गणगौर का त्योहार जो है वो मनाया गया था। गण अर्थात शिव और गौर अर्थात गौरी पार्वती। तो अर्थ क्या है, गण का अर्थ क्या है शिव और गौर का अर्थ है गौरी यानी पार्वती। इस अवसर पर शिव और पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्यवर तथा वही विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती हैं। यह त्योहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र कृष्ण शुक्ल तृतीया तक चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुर के साथ इनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों की कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई इन्हें अपने घर ले जाती हैं। तो गणगौर का त्योहार जो है, इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों ही क्या करते हैं, यहाँ पर अपने सुहाग की कामना करते हैं। तो यहाँ पूजा जो है वो किसकी करते हैं, शिव और पार्वती की करते हैं। कब मनाया जाता है, तो यह त्योहार होली के दूसरे दिन ही चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। गणगौर का त्योहार शिव और पार्वती के रूप में ईसर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति यानी कि लोगों के द्वारा ये सुना गया है कि इसका आरंभ पार्वती के गौने या अपने पति के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। तो पार्वती के गौने से ही ये प्रारंभ होती है। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर गण और गौर इन दोनों की लकड़ी की प्रतिमाएं बनाती हैं और मिट्टी की प्रतिमा के साथ उनको सजाकर मिट्टी की प्रतिमा के साथ किसी जलाशय पर जहां जल होता है वहां ले जाती हैं। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती हैं। इस त्योहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो याद रखना है कि इस त्योहार को जो है वो कहाँ मनाते हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में। हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टॉड ने बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। तो प्रसिद्ध है कहाँ की गणगौर की सवारी, उदयपुर की गणगौर की सवारी जो है वो प्रसिद्ध है। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने। जहाँ अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौर की सवारी को देखते हैं। यह सवारी तोप के धमाके, नगाड़े की आवाज से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर, कहां से प्रारंभ होकर, राजप्रसाद से प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी ही धूमधाम से पहुंचती है। ठीक है, तो उदयपुर की गणगौर की सवारी रोचक वर्णन किसने किया है, कर्नल जेम्स टॉड ने। गणगौर जो है वो
कब मनाई जाती है? होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक किसकी पूजा होती है? शिव और गौरी की, शिव या पार्वती की। और उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और कोटा में यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगला देखिए तीज का त्योहार। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। अर्थात त्योहार के चक्र की शुरुआत जो है वो श्रावण माह में तीज से होती है और अंत गणगौर से होता है। तो त्योहारों का प्रारंभ जो है राजस्थान में होता है श्रावण माह में तीज से, और अंत जो है वो कहाँ से होता है, अंत कहाँ तक होता है, गणगौर तक। ठीक है, तीज से प्रारंभ और अंत गणगौर। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान की स्त्रियों का प्रिय त्योहार है। तो ये कब मनाया जाता है? श्रावण की शुक्ल तृतीया को। बालिकाएं एवं नवविवाहित इस त्योहार को मनाती हैं। यह त्योहार विवाह के बाद पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। यानी जब किसी स्त्री की शादी होती है तो विवाह के बाद जब पहली बार पीहर में मनाई जाती है। मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे क्या करते हैं, पीहर भेज देते हैं। तो जो पहली तीज होती है वो कहाँ पर मनाई जाती है, पीहर में मनाई जाती है। इस अवसर पर सभी नवविवाहित पेड़ों पर झूला डालकर झूलती हैं, साथ में ऋतु तथा श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती हैं। तीज से एक दिन पहले वे हाथों और पांव में मेहंदी लगाती हैं। तालाबों के किनारों पर मेलों का आयोजन होता है। इस त्योहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुआई भी की जाती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। तो देखिए जो तीज का त्योहार है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, वही हमने देखा गणगौर की सवारी जो है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट, वर्दी पहने हुए महावत, घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्योहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते हुए नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहर कर आनंद उठाते हैं। तो हमें बस इतना ही याद रखना है, तीज जो है वो श्रावण की शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ तीज से होता है, अंत गणगौर से होता है, और जयपुर का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या आप जानते हैं बूंदी की कजली तीज? तीज का त्योहार पूरे राजस्थान में जहां श्रावण की तीज को मनाया जाता है, वहीं बूंदी में यह भादों की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, तो कजली तीज जो है वो बूंदी की प्रसिद्ध है, जो कि कब मनाई जा रही है, भादों की तृतीया को। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लासमय जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। कहाँ से समाप्त हो रहा है? नवल नागर से शुरू हो रहा है और कुंभा स्टेडियम पर समाप्त हो रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए होली का त्यौहार। होली का त्यौहार फागुन पूर्णिमा को पूरे भारत में, राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में बड़ी उत्साह उल्लास से मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मौसम के परिवर्तन पर या किसी फसल की कटाई पर क्या मनाते हैं लोग बड़े ही धूमधाम से उस चीज को मनाते हैं। तो होली का त्योहार जो है वो मौसम के परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से ही मनोरंजन के लिए लोग मनाते हैं। इस अवसर पर होलिका की पूजा भी की जाती है। गोबर के कंडों को, यानी जो ओपले होते हैं, उनको एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती हैं। नृत्य, गान और गुलाल से त्योहारों का महत्व प्रदर्शित होता है। तो यहाँ आपको समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, आप लोगों को पता है। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता दिखाई देती है। भिनाए में कोड़ा मार खेली जाती है, जिसमें लोग दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान, यहाँ आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। तो इस लाइन को आप याद रखना है, मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान में जो आदिवासी लोग होते हैं वो क्या खेलते हैं, भगोरिया।
मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य भी किया जाता है। तो हम लोगों ने जब नृत्य की बात की थी तो हमने याद किया था कि मेवाड़ में गैर नृत्य जो है वो कब किया जाता है, होली के मौके पर। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली महावीर जी में, श्री महावीर जी में लठ मार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती हैं। तो ये सिर्फ उत्साह का विषय ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो अपना गुस्सा जो है वो निकाल रही हो लठ मारकर पुरुषों पर, ठीक है। तो ये तो क्या होती है, ये होली का एक क्या होता है, एक रीति रिवाज ही होता है, ठीक है, ये रीति रिवाज ही होता है। तो प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में लठ मार होली जो है वो प्रसिद्ध है। और शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गींदड़ नृत्य किया जाता है। तो मेवाड़ में हमने देखा गैर नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर, शेखावटी क्षेत्र में गींदड़ नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर, जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में लठमार होली जो है वो प्रसिद्ध है और होली फागुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब देखिए बाड़मेर में पत्थर होली, ठीक है, बाड़मेर में पत्थर होली में इलोजी की बारात भी निकाली जाती है जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। तो ये भी एक मनोरंजन का क्या है, साधन है कि इस तरीके से होली जो है वो मनाई जा रही है और क्या है, अपने उत्साह जो है, अपनी जो खुशियां हैं वो दर्शाई जाती हैं त्योहारों के माध्यम से। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात तथा पोत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा की आवा तथा सांगोद कस्बों का 200 वर्ष पुराना निहाड़ आयोजन भी प्रसिद्ध है। यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। तो यहाँ पर इतना आपको नहीं याद करना है, जो मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दिया है इनको तो आप याद ही रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अक्षय तृतीया या अख तीज बोला जाता है। बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबूझ सावे के रूप में भी मनाते हैं, यानी जहां पर किसी का सावा नहीं निकलता है तो वो इस दिन जो है वो विवाह करते हैं, ठीक है। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए ही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं जो अब प्रशासन के कड़े रुख और जागरूकता के कारण कम हो गए हैं, ठीक है। तो अबूझ सावा जो है वो क्या होता है, जो बूझ ना हो, यानी कि जो ऐसा सावा जिसमें हर कोई बिना किसी मुहूर्त को निकलवाए शादी विवाह जो है वो कर सकते हैं। कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा होती है। इस दिन गेहूं, बाजरे आदि का खिचड़ा, गुड़ की गलवाड़ी और मंगोड़ी का साग भी बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण इसे वहां और भी उत्साह के साथ जो है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 7 अन्नों की पूजा जो है वो कब की जाती है। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ, इन 7 अन्नों की पूजा जो है वो कब की जाती है। तो ये अख तीज को की जाती है बैसाख माह में। पूरे देश में मनाए जाने वाली पर्व त्योहार आदि राजस्थान में भी उतने ही हर्ष उल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जन सामान्य के कई अन्योत्सव जिनमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी, ये सब प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो आप देखिए, जैनों का जो पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव वो क्या है, पर्युषण, और जो मनाया जाता है भाद्रपद में। श्रावक गण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन, अर्चन, स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। आश्विन कृष्ण एकम को क्षमापणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है इम्पोर्टेंट है कि जैनों का सभी से पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव जो है वो पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है।
नेक्स्ट देखिए, मुसलमानों के उत्सवों में ईदुल जुहा जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी के याद में मनाया जाता है। तो इस चीज को याद रखना है आपको, मुसलमानों के उत्सवों में ईदुल जुहा जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी के याद में मनाया जाता है। मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक क्या करते हैं, उपवास करते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकालते हैं। सभी रात का त्योहार जो है वो बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म मरण की स्मृति में बराव फात का त्योहार मुस्लिम समाज में बड़ी ही श्रद्धा से मनाया जाता है। तो मोहम्मद साहब के जन्म और मरण की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाते हैं मुस्लिम समाज के लोग? बराव फात का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। रमजान की समाप्ति का दिन जो है वो क्या कहलाता है? ईद उल फितर कहलाता है। जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज अपनी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। ईसाई उत्सवों में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख हैं, जिन्हें लोग गिरजाघरों एवं ईसाइयों के निवास स्थान में बड़े उत्साह से या उल्लास से मनाते हैं। इन प्रमुख लोका उत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत, उपवास के अवसर पर उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें महावीर जयंती, नृसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती ये प्रमुख हैं। व्रत के उत्सवों में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देव झूलनी एकादशी, हरितालिका तीज, पवित्र चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी प्रमुख हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेले। ठीक है।